हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये लीफ वाले फॉन्ट कहाँ से और कैसे डाउनलोड किए जाते हैं और इन फॉन्ट को आप लोग अपने पिक्सल लैब में कैसे ऐड कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी दिनों से यहाँ पे इस तरीके की लिरिक्स वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी जहाँ पर ये लीफ वाले फॉन्ट ऐड होते हैं और उस तरीके की वीडियो वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगती हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, उन लोगों को तो पता है कि ये लीफ वाले फॉन्ट कहाँ से और कैसे डाउनलोड किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनको यहाँ पे ये नहीं पता है कि ये लीफ वाले फॉन्ट कहाँ से और कैसे डाउनलोड किए जाते हैं और इन फॉन्ट को कैसे आप लोग अपनी पिक्सल लैब में ऐड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग ये लीफ वाले फॉन्ट कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इनको आप लोग अपने जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन है उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए आप लोग को अपने जो है क्रोम ब्राउजर में चले जाना होगा, जो भी ब्राउजर है उसमें चले जाइए और यहाँ पे आप लोग टाइप कर दीजिए यहाँ पे द फॉन्ट, ठीक है। नॉर्मली आप लोग टाइप कर देना द फॉन्ट और द फॉन्ट आप लोग टाइप करके सर्च कर देना। उसके बाद गाइस आप लोग को इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा द फॉन्ट, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। ये जो है द फॉन्ट एक वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप लोग जो फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं नॉर्मली डाउनलोड का जो बटन मिलता है यहाँ पर आप लोगों को, तो डाउनलोड के बटन पर आप लोग को क्लिक करना है और ये फॉन्ट आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोग को लीफ वाले जो फॉन्ट है वो डाउनलोड करने हैं, तो डाउनलोड करने के लिए आप लोग को जो है इसको मैं एक बार जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा, देख सकते हैं नेचर, तो आप लोग नेचर पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे जो है सारे के सारे लीफ वाले फॉन्ट है वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। जो फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं आप लोग लीफ वाला, तो आप लोगों को मिलता है डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिलता है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देंगे और ये फॉन्ट आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला लीफ वाला फॉन्ट है, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा और ये वाला एक फॉन्ट है यहाँ पर, मैं इसको भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो जो लीफ वाले फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लेना। इसके बाद यहाँ पर मेरे फॉन्ट डाउनलोड हो चुके हैं 3-4, मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा अपनी फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर मैं उसको ओपन करूँगा और रीसेंट में आप लोग को जो है एक बार रिफ्रेश करना होगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रीसेंट में आप लोगों ने जो फॉन्ट डाउनलोड किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। डाउनलोड वाले ऑप्शन में आप लोग के सारे फॉन्ट जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट है यहाँ पे, मैं इसको जो है यहाँ पे आप लोग को एक काम करना, ये आप लोगों ने जितने फॉन्ट डाउनलोड किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे आप लोग नॉर्मली इस फॉन्ट को आप लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मिलेगा एक्सेट फाइल टू, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा इंटर स्टोरेज, यहाँ क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, तो वहाँ पे आप लोग को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद एक्सेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक कर दीजिए और ये आप लोग का जो है यहाँ पे फॉन्ट एक्सेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग और भी फॉन्ट एक्सेप्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए और एक्सेप्ट टू क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंटर स्टोरेज पे जाइए और यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड पे चले जाना होगा और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये आप लोग जितने फॉन्ट यहाँ पे डाउनलोड किए हैं सभी एक्सेप्ट कर लेना। अब आप लोग को इनको जो है पिक्सल लैब में ऐड करना है, तो अब आप लोग को यहाँ पे अपने फ़ोन में जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन है उसको ओपन कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोग इसमें जो है एक आप लोग को डिलीट का आइकन मिलता है, यहाँ क्लिक कीजिए और ओके पे आप लोग प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप लोग जो है क्लिक करेंगे और यहाँ पर ए पे आप लोग क्लिक करेंगे, एडिट पर जाएंगे और आप लोग यहाँ पर जो फॉन्ट आप लोग रखना चाहते हैं, टेक्स्ट रखना चाहते हैं, ये मैं रख लेता हूँ, ओके पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप लोग को जो इसको ऐड करना है तो फॉन्ट पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा माई फॉन्ट, यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ मिलेगा प्लस का आइकन, यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ क्लिक कीजिए। अब आप लोगों का जो फॉन्ट यहाँ पे आप लोगों ने एक्सेप्ट किए होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला फॉन्ट फ्लावर्स और इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और एड सेलेक्टेड पर क्लिक करके मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप लोग अपने फॉन्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे। चलिए इसी तरीके से मैं और फॉन्ट यहाँ पर ऐड करूँगा, यहाँ पर मैं प्लस के आइकन पर मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं डाउनलोड पे जाऊंगा और इसके बाद ये लीफ वाला है यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ऐड सेलेक्टेड पे क्लिक करूँगा और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप लोग अपने फॉन्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे। अब फॉन्ट पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ,
माई फॉन्ट पे जाऊंगा। अब ये वाला जो फ्लावर्स है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये देख सकते हो ओके पे मैं क्लिक करूँगा तो ये फॉन्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका जो कलर है चेंज करना चाहता हूँ तो कलर आप लोग को मिल जाता है यहाँ पे, आप लोग कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर लेता हूँ यहाँ पे, जो कि अच्छा लगे देखने में। अब गाइस यहाँ पे मैं इसका जो फॉन्ट है यहाँ पे मैं कोई और लीफ लेना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं तो एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अब लगाता हूँ यहाँ पे जी, तो जी पे मैं कुछ इस तरीके का मिलेगा और मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे एच, तो एच पे मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा एस, और एस पे मुझे कुछ यहाँ पे इस तरीके का फॉन्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो फॉन्ट आप लोगों को अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप लोग लीफ वाले फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और इनको आप लोग पिक्सल लैब में ऐड कर सकते हैं। गाइस अगर आप लोगों को लीफ फॉन्ट डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ जाती है, आप लोग को ऐड करने में कोई दिक्कत या परेशानी आ जाती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोग को वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।